दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप चौहान E&I गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस ट्यूटोरियल में आप सीख पाएंगे कि E&I की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीमीटर का यूज कैसे किया जाता है, आप प्रॉब्लम को चुटकियों में कैसे हल कर सकते हैं। मल्टीमीटर का यूज कैसे करते हैं, मल्टीमीटर का यूज कहाँ कहाँ होता है और इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीमीटर का यूज कैसे किया जाता है, इसके बारे में आप आगे की स्लाइड में देखेंगे। आप देख रहे हैं कि ये एक मल्टीमीटर है जिसके अलग अलग फंक्शन की है जो मैंने आपको बताई है। सबसे पहले हम मल्टीमीटर की फंक्शन की के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और टेस्ट करेंगे सर्किट को। ये फ्लूक का मल्टीमीटर है और इस मल्टीमीटर में अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं। जैसा आप देख सकते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट है AC वोल्टेज, और अगर हम शिफ्ट दबाते हैं तो हम AC का हर्ट्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसके। दूसरा आता है इसके अंदर जिससे हम DC का वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, DC वोल्ट का वोल्टेज, और हर्ट्ज भी मेजर कर सकते हैं इससे। तीसरा आता है इसके अंदर हम DC वोल्टेज को मिली वोल्ट में मेजर कर सकते हैं। इसके बाद चौथा ऑप्शन आता है जिसमें हम किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस, और अगर शिफ्ट की दबाते हैं तो हम कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड में मेजर कर सकते हैं। जो पांचवा पॉइंट आता है इसके अंदर हम कंटिन्यूटी मेजर कर सकते हैं, और अगर हम शिफ्ट दबाते हैं तो हम डायोड का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, डायोड की टेस्टिंग कर सकते हैं। अब छठे में ऐसा है कि हम मिली एम्पियर मेजर कर सकते हैं और शिफ्ट दबाने पर हर्ट्ज और DC का मिली एम्पियर भी मेजर कर सकते हैं। सातवां पॉइंट जो है उसके थ्रू हम एम्पियर AC का मेजर कर सकते हैं और हर्ट्ज मेजर कर सकते हैं और DC का एम्पियर मेजर कर सकते हैं। इसके थ्रू मैक्सिमम 10 एम्प्स तक हम मेजर कर सकते हैं और 400 मिली एम्प्स तक मेजर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मल्टीमीटर में चार पॉइंट हैं लीड लगाने के लिए। पहला है 400 मिली एम्पियर का, सेकंड 10 एम्प्स के लिए है। जब हमें 10 एम्प्स मेजर करना है तो हम यहाँ पर लीड लगाएंगे। जब हमें वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड डायोड की मेजरिंग करनी है तो लीड को यहाँ लगाएंगे। उसके बाद ये आता है कॉमन पॉइंट या ब्लैक कलर की लीड लगती है, इसे न्यूट्रल पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब आप मल्टीमीटर के और ही फंक्शन देख सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट में होल्ड की का उपयोग किसी भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए किया जाता है। दूसरा आता है मिनीमैक्स की, जब हम किसी भी इक्विपमेंट की चेक करते हैं तो उसमें कुछ वैल्यू मिनिमम भी हो सकती है, कुछ मैक्सिमम भी हो सकती है। तो क्या मिनिमम वैल्यू थी, क्या वैल्यू बहुत ही मैक्सिमम थी, तो उन दोनों को चेक करने के लिए मिनीमैक्स बटन का यूज है। तीसरा आता है रेंज की का उपयोग मल्टीमीटर की रेंज को अप और डाउन करने के लिए किया जाता है। जैसे हमें मिली वोल्ट मिली एम्प्स चेक करना है तो हम इस की का उपयोग कर सकते हैं, इसको दबाने से मिली वोल्ट मिली एम्प्स पे मल्टीमीटर डाइवर्ट हो जाएगा। चौथे नंबर की जो की है वो है शिफ्ट की। शिफ्ट की का उपयोग हमें जो मल्टीमीटर के येलो वाले फंक्शन हैं उनको चालू करने के लिए किया जाएगा। इसको जब हम पुश करेंगे तो येलो वाले जो फंक्शन है उस पर मल्टीमीटर डाइवर्ट हो जाएगा। ये हमने कुछ टूल्स रखे हैं जिनको हम मल्टीमीटर से चेक करने वाले हैं। यहाँ एक कैपेसिटर रखा है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेक करेंगे हम। दूसरा ये जो केबल रखी है, इस केबल की कंटिन्यूटी चेक करेंगे इस मल्टीमीटर के थ्रू। हम देख सकते हैं मल्टीमीटर में दो लीडें लगी हुई है, एक रेड कलर की लीड है और एक ब्लैक कलर की लीड है। अभी सबसे पहले हमें वोल्टेज चेक करना है तो हम देखेंगे कि लीड कहाँ रखी है। लीड जो लगी है वोल्टेज पे ही लगी हुई है, रेड कलर वाली, और ब्लैक कलर वाली जो लीड है वो कॉमन पॉइंट पे लगी है। इसका मतलब ये दोनों लीडें एकदम सही पोजीशन पे हैं। हम इसके थ्रू मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कर सकते हैं। हमें इसके बाद इसके जो प्रोब है उसकी पोजीशन देखनी है कि उसकी पोजीशन किस पे है, तो हमें वोल्टेज चेक करना है तो हम सबसे पहले इसको वोल्टेज पे करेंगे। देखिए हमने इसको वोल्टेज पे कर दिया है और लीडें दोनों अभी ओपन है, तो हम इसको फीडर में लेके जाएंगे और वहाँ चेक करेंगे वोल्टेज। तो आप देखिए आगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक फीडर है, इस फीडर को हम ओपन करेंगे और ओपन करके वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए हमने इसको ओपन कर दिया है, हमें सबसे सामने SFU दिख रहा है। SFU का ढक्कन खोलेंगे और उसके बाद हम लीड लगा के वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए मल्टीमीटर में अभी कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है इसके अंदर। हमने ढक्कन इसका रिमूव कर दिया है। अब हम इसके अंदर लीड लगाएंगे। हम सबसे पहले फेज टू न्यूट्रल चेक करने वाले हैं। देखिए हमने लीड लगा दी है
कनेक्ट कर दिए अंदर की साइड येलो वाले फेस के अंदर। और दूसरा देखिए आप, ये है इसका न्यूट्रल पॉइंट, अर्थिंग पॉइंट। तो अर्थिंग पॉइंट पे हमने काली वाली लगाई, अब वोल्टेज देखेंगे। यहाँ देखिए 236.2 वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब ये फेस टू न्यूट्रल वोल्ट 230 वोल्ट है। अब हम फेस टू फेस वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए हम जो ब्लैक वाली लीड थी हमने उसको फेस पे लगा दिया है, अब फेस टू फेस वोल्टेज हम चेक करेंगे मल्टीमीटर के अंदर। ये देखिए 209 वोल्ट दिखा रहा है इसके अंदर। तो फेस टू फेस वोल्टेज भी हमने इस तरह से चेक कर लिया है दोनों फेस के बीच में लगा कर। देखिए वापस देखिए आप एक बार, ये देखिए वो देखिए वोल्टेज दिखा रहा है 209.4 वोल्ट। इस तरीके से हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे, नेक्स्ट हम इसी का हर्ट्ज चेक करेंगे, कितने हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की। तो हम देखेंगे उसको जो शिफ्ट की है उसको प्रेस करेंगे। देखिए हमने शिफ्ट को प्रेस किया है, शिफ्ट को प्रेस करने पर 49.99 वोल्टेज सॉरी हर्ट्ज दिखा रहा है। ये देखिए 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी चल रही है इसकी। तो इस तरीके से हम वोल्टेज और हर्ट्ज को मल्टीमीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। अब हम इस मल्टीमीटर के द्वारा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेक करने वाले हैं। इसके लिए हमें इस नोब को इस वाले पॉइंट पे रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लिखा है, ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेक करेंगे। ये देखिए नोब को हमने कैपेसिटेंस पे कर दिया है। देखिए अब हम, क्योंकि ये येलो कलर में दिखा रहा है इसलिए हम येलो वाला बटन शिफ्ट बटन दबा देंगे ताकि कैपेसिटर की वैल्यू चेक कर सकें। अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे। देखिए हमने कनेक्ट कर दिया है इसको। अब हम मल्टीमीटर में वैल्यू चेक करेंगे। देखिए ऊपर मल्टीमीटर में माइक्रोफेरेड वैल्यू आ रही है, 8.30 समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है इसकी। यह मल्टीमीटर के अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू है। देखिए इस तरह से कनेक्ट करें, अब हमने हटाया है, देखिए अब वापस जीरो हो गया है। अब हम वापस कनेक्ट करके बताएंगे आपको। तो ये वैल्यू आती है 8.29। तो मतलब ये कैपेसिटर सही है, क्योंकि इसकी वैल्यू कैपेसिटर की इस पे लिखी हुई है 8 माइक्रोफेरेड और 8.29 आ रही है। तो मतलब ये कैपेसिटर सही है, 8 के आलमोस्ट बराबर है। अब साइड में जो केबल रखी है उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम। उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें इसकी नोब को कंटिन्यूटी वाले ऑप्शन पे डालना पड़ेगा। देखिए हम इसको कंटिन्यूटी पे चेंज कर लेते हैं, हमने चेंज कर लिया है। तो अब हम चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी, इस केबल की कंटिन्यूटी। तो हम दोनों लीडों को इस ब्लैक वाली केबल में, ब्लैक जो लीड है उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, देखते हैं ये कनेक्टेड है कि नहीं है। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने पर एक बीप की आवाज़ आनी चाहिए, अगर बीप की आवाज़ आती है तो ये सही है। तो हमने केबल को अब कनेक्ट कर दिया है, लीडों को लगा दिया है केबल पे। देखिए बीप की आवाज़ आ रही है, तो मतलब ये केबल अब सही है, केबल है कनेक्टेड है आपस में। इस तरह हमने कंटिन्यूटी चेक किया है। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे डायोड का, चेक करेंगे डायोड की टेस्टिंग के लिए मैंने एक सर्किट लिया है, एक पूरे एक बैक फिल्टर के टाइमर की प्लेट ली है, उसके अंदर कुछ डायोड्स लग रहे हैं। देखिए ये डायोड है, देखिए मैं इनको ध्यान से दिखाता हूँ आपको, जूम करके थोड़ा सा आप देख सकते हैं डायोड की तीन टांगे दिख रही है। तो हम इस डायोड की टेस्टिंग करेंगे। डायोड के अंदर कुछ रेजिस्टेंस आना चाहिए, कुछ वैल्यू आनी चाहिए रेजिस्टेंस की, तो वो चेक करेंगे। तो देखिए आगे देखिए आप, ये देखिए डायोड की टेस्टिंग के लिए ये अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। हमने इसको डायोड की टेस्टिंग के लिए सबसे पहले येलो पे है, तो शिफ्ट की के द्वारा हम इसको चेंज कर लेंगे। हमने इसको चेंज कर लिया है। अब मैं डायोड के अंदर इसे कनेक्ट करूँगा, दोनों लीडों को डायोड के अंदर कनेक्ट करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ब्रेक वाली लीड को डायोड के राइट लेफ्ट वाली टांग पे कनेक्ट किया है। देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, अब देखिए अब मैं रेड वाली लीड को भी कनेक्ट करूँगा इसके राइट वाली टांग पे। अभी देखिए अभी कुछ वैल्यू नहीं आ रही है। ये देखिए मैंने रेड वाली को कनेक्ट किया है, अब हम देखते हैं क्या वैल्यू आती है मल्टीमीटर पे। देखेंगे हम मल्टीमीटर में 445 ओम दिखा रहा है, ये मैंने हटाया, ये देखिए जीरो हो गया। ये मैंने वापस लगाया है, 445 ओम आ रहा है।
ये इसके अंदर के रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इसका मतलब ये डायोड सही है। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखा एसी वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं, किसी सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे मेजर किया जाता है, किसी केबल की कंटिन्यूटी या सर्किट की कंटिन्यूटी कैसे चेक करी जाती है, एक डायोड को कैसे चेक किया जाता है, इसके अलावा हमने उसके अलावा किसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी कैसे चेक की जाती है हमने इस ट्यूटोरियल में आज सीखा। दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप नए नए लेटेस्ट वीडियो देख सकें। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शुभ रात्रि।